वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो टॉपिक को इसी चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में अपना नंबर सिस्टम के अंदर ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो टॉपिक को। पहला टॉपिक होगा हमारा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर को तो हम लोग जान चुके हैं पिछले वीडियोस में, अगर नहीं देखे वीडियो तो जाकर के देखिए उसको फिर से अच्छे से उसमें समझिए, और वैसे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस होगा और उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है रिप्रेजेंट रेशनल नंबर इन द फॉर्म PYQ। देखिए रेशनल नंबर PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। और अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो किस किस टाइप के होते हैं वो हम जानेंगे, कैसे कैसे वो लिखा हुआ मिलेगा और उनको हम लोग PYQ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो चीज आ जानेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहला हमारा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या कि जितने भी रेशनल नंबर यानी कि ऐसे नंबर जिनको PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है और जितने भी रेशनल नंबर जिनको PYQ के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो सब मिलकर के बनाते हैं रियल नंबर। यानी कि ऐसा कह सकते हैं जितना नंबर हम लोग जानते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं तो उनको जब डेसिमल एक्सपेंशन की बात आएगी तो डेसिमल एक्सपेंशन कब आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं। चलिए देखते समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई नंबर है पी, मान लेते कोई एक नंबर है पी, ठीक है, उसमें हम लोग किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, क्यू से मान लेते डिवाइड किए। तो जब पी में क्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो केस आएगा। केस पहला क्या होगा कि जब हमारा जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो केस दो आएगा। पहला केस होगा क्या कि रिमाइंडर जो होगा हमारा, रिमाइंडर बिकम्स जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम Q से P को डिवाइड किए यानी किसी एक नंबर से दूसरे नंबर को हम लोग डिवाइड किए तो ये डिवाइड होकर के हमारा पूरा जब सॉल्व होगा डिविजन तो या तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, या एक केस ऐसा होगा कि रिमाइंडर बच जाएगा। दूसरा केस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर डज नॉट बिकम जीरो। दूसरा केस होगा रिमाइंडर डज नॉट बिकम जीरो। अब यहां पे होगा क्या कि जब हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो हम लोग जानते हैं जब एक नंबर से किसी दूसरे नंबर में डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है उस नंबर से, ठीक है। तो अगर क्यू से पी को डिवाइड करेंगे और पूरी तरह से ये डिविजन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, यानी एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे और डिविजन पूरी तरह से कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा यानी जीरो हो जाएगा। और जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्यू से पी पूरी तरह से डिविजिबल है। तो जब पूरी तरह से ये नंबर डिविजिबल है तो इसमें हम डेसिमल वाला कोई डेसिमल एक्सपेंशन इसका नहीं देखेंगे, क्योंकि जब ये पूरा डिविजिबल हो जाता है तो डेसिमल की बात नहीं आती है। अगर डेसिमल के बारे में अगर पूछ दे उसमें डेसिमल क्या होगा, मान लेते क्यू से इसको लगाए 24 टाइम्स में लगता है और पूरा सॉल्व हो जाता है, तो इसमें अगर क्या था डेसिमल क्या है तो इसके बाद कुछ नहीं है डेसिमल में, तो हम डेसिमल के बाद जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली इसमें हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन की कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से डिविजिबल है तो डिविजिबल है। लेकिन दूसरा केस क्या होता है कि रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, यानी कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, 1, 2, 3, 4 कुछ भी बच जाएगा रिमाइंडर। अब जब रिमाइंडर कुछ भी बच जाएगा तब केस आएगा, ये जो दूसरा केस है हमारा रिमाइंडर जब जीरो नहीं होगा यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, तब वहां पे आता है डेसिमल का केस। वहां पे हम लोग क्या करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए यानी उसको और ज्यादा कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए हम लोग उसको आगे और सॉल्व करने के लिए डालते हैं अपने कोचेंट में डेसिमल को और फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जब डेसिमल लेकर के इस नंबर को और आगे सॉल्व करते हैं तो फिर से दो केस आता है। उसमें क्या दो केस आता है, पहला केस जब यहां पर रिमाइंडर जीरो हो गया तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, लेकिन जब ये रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तब यहां से केस बनता है डेसिमल एक्सपेंशन का। और फिर डेसिमल एक्सपेंशन में कैसा केस होता है, आगे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन शो कर देंगे, तो वहां पर फिर जब हम आगे डिवाइड करेंगे तो यहां पर भी दो केस बनेगा सिमिलरली ऐसे। पहला केस यहां पर क्या बनेगा, यही चीज की रिमाइंडर हो जाएगा जीरो, रिमाइंडर क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि अगर डेसिमल डाल करके आगे सॉल्व करते जा रहे हैं तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। या दूसरा ऐसा केस होगा कि उसमें हम लोग डेसिमल डाल के भी आगे सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, उसमें भी रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। देखिए इसके लिए एक एक एग्जाम्पल देते हैं। पहला केस के लिए एक एग्जाम्पल, जैसे देखिए आप लोग क्या करते हैं, टू से मान लीजिए 10 में डिवाइड किए तो 2, 5, 10 ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो जब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो 10 जो है 2 से पूरी तरह डिविजिबल है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन की कोई चर्चा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसी केस में हम लोग क्या करते, मान लेते हम लोग 4 से 10 में डिवाइड करते तो क्या होता है, 4 2 जा 8,
इधर बच गया, तो अब रिमाइंडर यहाँ पे टू बच गया। तो इस तरह के टर्म को सॉल्व करने के लिए आगे हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल एक्सप्रेशन यूज करते हैं। यहाँ पे डेसिमल डालते हैं तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये 20 हो गया, इसको आगे हम लोग आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग डेसिमल डाल के इसको आगे सॉल्व करते हैं तो फिर दो तरह का केस आएगा। कैसा केस आएगा इसी को समझते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 4 से 10 में डिवाइड किए थे तो क्या हुआ, 4 2 जा 8, 2 बचा, डेसिमल दिए 20 और 4 5 जा 20। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, फिर पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर जीरो हो जाता है, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों कहते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब होता है टर्मिनेट, खत्म हो जाना। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कुछ डिजिट के बाद खत्म हो गया, उसके आगे कुछ नहीं है, बस इतना लिमिट हो गया, इतना डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब एक ऐसा भी केस आता है जब हम लोग सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, डेसिमल डाल के भी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, उसमें भी रिमाइंडर बच रहा है, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। सपोज दैट एक नंबर लेते हैं, 3 से मान लीजिए 10 को डिवाइड किया, तो क्या हुआ, 3 3 जाना है, फिर क्या बच गया, 1 बचा। हम यहाँ पे डेसिमल डालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, देखिए फिर 10 में ही लगाए तो फिर से 10 आ गया, फिर लगाएंगे 3 3 जाना है, फिर 1 आ रहा है, फिर एक जीरो आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर लगाएंगे 3 3 जाना है, फिर 1 बच गया। ऐसे ही हम लोग देखते जा रहे हैं क्या, 3 3 3 3 आते जा रहा है, ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, कहीं पे खत्म हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरह के केस को क्या कहेंगे, जब रिमाइंडर जीरो नहीं होगा डेसिमल एक्सपेंशन में, रिमाइंडर जीरो की इक्वल नहीं होगा, ये आगे आते जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, इस तरह के केस को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या लाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये जहां पे कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया, आगे कुछ नहीं है, रिमाइंडर खत्म, तो ये हो जाता है टर्मिनेटिंग। जिसमें रिमाइंडर खत्म नहीं होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी दो केस आता है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो केस क्या होगा, कि पहला केस ऐसा है कि रिमाइंडर जो है ये यहाँ पे जो हमारा क्वोटिएंट है ये रिपीट करेगा, यानी रिमाइंडर फिर से वही आएगा। जहां देखिए हम लोग 10 में डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 आया पहले केस में, फिर हम लोग डेसिमल डाले 10, फिर रिमाइंडर 1 ही आया, फिर 3 से लगाया, फिर रिमाइंडर 1 ही, यानी सेम आते जा रहा है। तो जब सेम चीज ही रिमाइंडर में आते जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे 3 3 3 रिपीट करते जाएगा, तो इस तरह में क्या करते हैं, 3 के ऊपर हम लोग एक बार का सिंबल डाल देते हैं, इसका मतलब हो गया कि 3 रिपीट करते जाएगा। और इसके बाद केस क्या होता है, इसका मतलब हो गया ये रिपीट करते जाएगा, और इस तरह के केस को हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पहला आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को ही रेकरिंग भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, यानी कि फिर से आ रहा है, दोहरा रहा है, वही चीज रिपीट किया जा रहा है, दोहरा रहा है। लेकिन एक ऐसा भी केस आएगा जब दोहराएगा नहीं, हर बार अलग अलग वर्ड आएगा, एक नंबर में दूसरे नंबर से हम डिवाइड किए जा रहे हैं, हर बार अलग अलग डिजिट आते जाएगा, अलग अलग डिजिट आते जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। यानी कि अगर हम लोग पहले से शुरू करते हैं, अगर एक नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड किए तो पूरी तरह से वहां पे वो नंबर सॉल्व हो गया, तो डेसिमल एक्सपेंशन की कोई बात नहीं, वो कंप्लीटली डिविजिबल। लेकिन अगर कुछ रिमाइंडर बच गया तो आएगा डेसिमल एक्सपेंशन का कांसेप्ट, फिर डेसिमल डाल के उसको सॉल्व करेंगे तो दो केस होगा, एक तो या तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा या रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन उसमें भी दो टर्म होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग में जब जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि ये जो है हमारा, ये हमारा क्वोटिएंट जो है वो रिपीट कर भी रहा है। अगर ये सेम चीज रिपीट किया जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर हमारा ये क्वोटिएंट रिपीट नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब एक चीज यहां जानते हैं, देखिए जो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है वो तो रेशनल होंगे क्योंकि वो एक इंटीजर के फॉर्म में आ जाएंगे, और जब इंटीजर होता है तो इंटीजर हमारा रेशनल नंबर है, तो इस तरह के नंबर रेशनल होते हैं। ठीक है, फिर जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग होता है इसको हम लोग देते हैं 2.5, तो इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आसानी से पी बाय क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, और इसका पी बाय क्यू होगा, पी भी इंटीजर होगा और क्यू भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो जब p और q दोनों इंटीजर होगा और q जीरो के इक्वल भी नहीं होगा, ठीक है ना, और ये रेशनल नंबर होते हैं।
जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो कहलाएंगे रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दोनों केस होता है, रेशनल भी होता है इरेशनल भी। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग होता है ये होता है रेशनल, इसको हम लोग कहते हैं रेशनल, ये रेशनल होता है, ये रेशनल होता है। इन लोगों को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो हमारा सेकेंड टॉपिक है, इसी को हम लोग आज सीखेंगे कैसे पी वाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को, और वो रेशनल होते हैं, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो रिपीट नहीं करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, वो हो जाते हैं इरेशनल, यही होते हैं इरेशनल। इनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो क्यों नहीं लिख सकते वो हम आगे चर्चा करेंगे जब हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखने वाले पॉइंट में बात करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि जो पूरी तरह से डिविजिबल है कंप्लीटली वो तो रेशनल है, जिसमें डेसिमल एक्सप्रेशन आता है, तो अगर डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है तो रेशनल, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग है तो रेशनल, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग है तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल, ठीक है। तो ये हमारा पहला नंबर क्या रियल नंबर है उनका डेसिमल एक्सप्रेशन। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं अपना सेकेंड पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू। एक रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। चलिए तो रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे ये बात हम लोग देख लिया, अभी जस्ट देखे थे रेशनल नंबर के बारे में, हम लोग पहले भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे, रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। वहां पे हम लोग ये भी पढ़े थे कि रेशनल नंबर किन किन चीज से बने हैं, कौन कौन से नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर पढ़े थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो चर्चा किया, अभी जो फर्स्ट टॉपिक पॉइंट में हम लोग देखे हैं, उसमें हम लोग क्या क्या देखे कि एक ऐसा नंबर होगा जब दो नंबर को एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक पूरी तरह से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जो कंप्लीटली डिविजिबल होता है वो बन जाते हैं इंटीजर, और इंटीजर क्या हो जाते हैं फिर से वो रेशनल नंबर। फिर दूसरा क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है, जैसे देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 2.42 ऐसे 24 आ गया ऐसे कुछ, अगर यहां से हम डेसिमल हटा दे क्या आ जाएगा बाय 100, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कुछ सॉल्व करेंगे या ऐसे ही देखिए 424/100, तो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर जो होंगे डेसिमल एक्सपेंशन जिनका टर्मिनेटिंग होगा वो सभी क्या हो जाते हैं रेशनल, उनको आसानी से हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग वाले में मेनली आज हमको इसमें जो पढ़ना है वो नॉन टर्मिनेटिंग के कंसेप्ट को ही पढ़ना है। नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोग दो केस देखे थे, क्या क्या, एक रिपीटिंग था एक नॉन रिपीटिंग था। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हम लोग जब देखेंगे तो वहां पे क्या होता है कि जो कॉन्टेंट होता है वो रिपीट करते रहता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं तो हमारा नंबर आ जाएगा 4.26, ये रिपीट करते जाएगा, या मान लेते 4.26 करते हैं रिपीट करते जा रहा है। सेकेंड नंबर हम देख लेते हैं जो क्या 4.36 मान लेते रिपीट करते जा रहा है। एक और नंबर हम लोग देख रहे हैं वो क्या होगा 4.262, और यहाँ पे 62 सिर्फ रिपीट करेगा, 2 ये रिपीट नहीं करेगा, 6262 आते जाएगा, ठीक है। या मान लेते 6.5 कर रहे हैं ताकि 2 आएगा तो दिखने में थोड़ा सा लगेगा 2 ही रिपीट कर रहा है, तो 2.65 ये नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ 2 आते जाएगा 4.2, इसमें 4.36 ऐसे, और इसमें 4.2 ये नंबर नहीं रिपीट करेगा, सिर्फ ये दोनों रिपीट करेगा, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या कभी कभी इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कि 4.2 के ऊपर 12 इसको ऐसे 4.2 .. लिखते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 जो है रिपीट करके जा रहा है, लेकिन इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। अगर 4.36546352 ऐसे है, इसका मतलब क्या है कि इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये हर बार अलग अलग डिजिट आ रहा है, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो इस तरह इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब दिख रहा हो क्लियरली कि जितने भी नंबर है वो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, वही पेयर या एक नंबर हो या पेयर में हो या तीन नंबर हो वो रिपीट करते जा रहे हैं, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नहीं तो अगर हर बार चेंज होते जा रहा है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये नंबर हमारा रेशनल होगा वो इरेशनल होगा, वो रेशनल और इरेशनल क्यों होगा, देखिए रेशनल इसलिए होगा क्योंकि इन लोगों को पी वाई क्यू, इन सब नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका एक प्रोसेस करेंगे सिंपल, और क्या करेंगे, डेसिमल के बाद का जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इलिमिनेट कर देंगे, डेसिमल के बाद के नंबर को हम लोग इलिमिनेट करेंगे और उससे एक इंटीजर बन जाएगा, और बाद में वो इंटीजर पी वाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, जिससे हमें हमारा रेशनल नंबर पता चल जाएगा।
जबकि इरेशनल नंबर में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो बता रहे हैं इसको। जैसे इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पहले वो देखिए। अगर 4.2 कोई भी नंबर दिया हुआ है जो रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो उसको पहले हम लोग मान लेंगे x। लेट x इक्वल टू 4.2 फर्स्ट नंबर। हम लोग ये सिंबल को अभी भूल जाएंगे, ठीक है। कोई भी नंबर जो इसको हम x या जो भी वेरिएबल एक कोई कंसीडर करेंगे, जो x माने कोई भी नंबर मान सकते, कुछ भी वेरिएबल हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमें पता है ये 2 2 2 2 रिपीट करते जाएगा। अगर हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 डेसिमल के इस साइड आ जाएगा, लेकिन इस डेसिमल के बाद भी एक 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। जब फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10x इधर और ये हो जाएगा 42, क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई करते डेसिमल एक आगे शिफ्ट होगा। यहाँ पे तो 4.2 है, लेकिन हम जानते हैं ये 2 2 2 रिपीट करते जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा 42.2। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद इसमें भी 2 है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 है। अगर हम सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दे, तो इसको जब 42.2 में से 4.2 घटेगा तो क्या होगा, ये डेसिमल के बाद का 2 ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन से घटा ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, 10x इक्वल टू 42.2 और इधर हो जाएगा x इक्वल टू 4.2। ये सब्ट्रैक्ट हो गया, निगेटिव हो जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 9x। और इधर देखिए ये डेसिमल का 2 और डेसिमल के बाद 2, तो ये 0 हो जाएगा डेसिमल के बाद, तो उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ये इलिमिनेट ही हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, 42 माइनस 4 यानी कि 38, ठीक है, 38 हो जाएगा। अब इसको देखिए, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38/9। ये 38/9 आ गया। देखिए अब यहाँ पे हमें जो नंबर मिला वो क्या है, 38/9। 38 भी इंटीजर, 9 भी इंटीजर, और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां क्यू 0 के बराबर भी नहीं है। तो इस तरह से ये जो हमारा 38/9 आया, ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। और ये किससे आया है, 4.2 4.2 2 2 2 2, ये आते जाएगा, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट किए एक रेशनल नंबर के फॉर्म में। ये हो गया हमारा 38/9, ये रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो रिपीटिंग है उसको हम लोग आसानी से रिपीटिंग वाले नंबर को हटा करके, रिपीटिंग वाले टर्म जो डेसिमल के बाद जितना भी टर्म होगा उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके इलिमिनेट कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको x पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये रेशनल होते हैं, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग वाले में से जब उसको देखते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो उनको नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि अगर किसी एक नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल के बाद का टर्म सेम नहीं मिलेगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए उसको एक नंबर से फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो सेम टर्म नहीं मिलेगा, जिससे हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसमें फिर डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो उसको नहीं कर सकते रिप्रेजेंट पी वाई क्यू फॉर्म में, ठीक है, इसलिए वो इरेशनल होते हैं। इसमें देखिए, जब डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो हम लोग सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किए जो रिपीट कर रहा था, अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहा हो तो हमें 10 की जगह पे 100 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये दोनों नंबर आगे आ जाए इधर और डेसिमल के बाद फिर सेम नंबर आ जाए। देखिए जैसे हम लोग क्या कर लेंगे, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, लेट x इक्वल टू 4.36 कंसीडर कर लेना है। फिर क्या करेंगे, दो टर्म है दोनों को इधर ले आएंगे, ताकि ये दोनों आगे सीधा आ जाएगा, फिर डेसिमल के बाद 36 ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। जब फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल रहा है, 100x इक्वल टू 436.36, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गया। अब सेम वही काम करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट को क्या करना है, सेकेंड में से घटा देना है। तो जब फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को घटा देंगे तो क्या हो गया, 100x इक्वल टू 436.36 और इधर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4.36। ये हो जाएगा माइनस माइनस 3636, इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 99x इक्वल टू ये हो जाएगा 432 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 432/99, ठीक है। ये फिर पी वाई क्यू फॉर्म में आ गया, ठीक है। ऐसे हम लोग पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखें कि अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो 10 से मल्टीप्लाई किए, 2 डिजिट तो 100 से, ऐसे 3 डिजिट आएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 डिजिट आएगा 10000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डेसिमल को उतने डिजिट के आगे शिफ्ट करना होगा। अब इसमें देखते हैं, इस केस में क्या हो रहा है कि 65 तो रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद, लेकिन ये जो 2 है ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के केस में हम लोग क्या करेंगे, ये भी रिपीटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद कुछ ऐसे डिजिट हैं जो रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो नॉन रिपीटिंग टर्म है उसको पहले डेसिमल की साइड ले आएंगे।
पहले स्टेप में तो हम इसको पूरा x मानना है, ठीक है, तो हम इसको लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 4.265 फर्स्ट इक्वेशन में। लेकिन सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, रिपीटिंग को इसे पुश साइड करने देंगे, नॉन रिपीटिंग को इधर ले आते हैं, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इधर आ जाएगा। तो पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, जितना नंबर डिजिट रहेगा जो नॉन रिपीटिंग होगा उस साइड में रिपीट नहीं कर रहा होगा उन सबको पहले क्या करेंगे डेसिमल इस साइड ले आएंगे। तो ये 2 इसमें एक ही डिजिट था इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई किए, तो अब हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 42.65, ठीक है 42.65 भी लिखेंगे क्योंकि रिपीटिंग में 6565 ही आएगा, तो हमारे पास रिपीटिंग टर्म सिर्फ रखना है, तो एक पेयर रखेंगे हम लोग 65 को, ठीक है 42.65। तो एक सेकंड यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इक्वल टू 42.65 होगा, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब क्या होगा, ये अब 65 रिपीटिंग टर्म है तो डेसिमल का 65 आ गया, तो अब हमारा मेन इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को नहीं कंसीडर करेंगे, हम लोग मेन इक्वेशन सेकेंड को करेंगे, और जैसे हम लोग इसको सॉल्व किए हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन को इस 4.36 वाले को, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, तो दो डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 100, क्यों, क्योंकि अब हमारा मेन इक्वेशन हो जाएगा ये सेकेंड वाला, तो मल्टीप्लाई जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000x हो जाएगा इक्वल टू 4265, ये पूरा दोनों डिजिट इधर आ जाएगा और डेसिमल के बाद दो डिजिट रिपीट करता है तो वो डिजिट फिर से आ जाएगा 6565, ठीक है ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड, इस थर्ड इक्वेशन को सेकेंड में से जब हम लोग घटाएंगे तो हमें क्या मिलता है इसको देखिए, ये डेसिमल वाला 65 फिर से इलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1000x इक्वल टू 4265.65 और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 42.65, तो जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, इधर क्या बचेगा तो 1000 में से 10x घट जाएगा तो 990x, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा ये 6.5 तो खत्म हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 5 3 और ये हो जाएगा 2 4 2 4 2 2 3 इतना 4223, ठीक है, तो यहां पे इतना आ गया, देयरफॉर x क्या हो जाएगा तो 4223/990, ये जो हमारा आ गया ये हमारा p by q के फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो ऐसे हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे रेशनल नंबर होना चाहिए, अगर रेशनल नंबर हमारा सिंपल है एक इंटीजर है या एक डेसिमल एक्सप्रेशन जिसका टर्मिनेटिंग है, तो जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा उसका तो हम लोग सीधे डेसिमल हटाएंगे, नीचे में जितना डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा 1 पे उतना 0 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में और उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते, तो वो तो आसानी से रिप्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा उनको ऐसे सॉल्व करेंगे, और जो इंटीजर हो या कोई नेचुरल नंबर या होल नंबर हो तो उसको हम लोग आसानी से क्या करते हैं उसके नीचे में क्यू में 1 लिख दीजिए, वो पी वाई क्यू फॉर्म में आसानी से आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं, यही था हमारा आज का मेन टॉपिक, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक रहेगा।